आई एम नागपुर में आपका फिर से स्वागत है। ऐसी नागपुर शहर की हस्ती के साथ में है लोकप्रिय उम्मीदवार जिनका दक्षिण नागपुर में जिन्होंने जीत से अपना झंडा लहराया, और आज हम उनसे बात करेंगे और आप यंग जनरेशन को ऐसा मैसेज देंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को और आपके दिल को छूले। तो हमारे साथ है हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुट्टू, आई एम नागपुर में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। और विधानसभा का उम्मीदवार के नाते साउथ नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज का जो वातावरण है, जो जिस प्रकार की आज परिस्थिति है, नए साल में मैं ये चाहता हूँ कि दक्षिण नागपुर के जो युवा है, जो तरुणाई है, उनको अच्छा मार्ग मिले, वो अच्छा मार्ग से अच्छे मार्ग पथ पर चले। जी सर। ये मेरी उनसे अपेक्षा भी है और मेरी भावना भी है। सही मायने में मेरा जो मतदार संघ है, वो मतदार संघ ये जिसको हम मध्यम वर्गीय बोलते जी। मध्यम वर्गीय मतदाताओं का मतदार संघ है, या खेती किसानी करने वाले, प्राइवेट बिजनेस करने वाले, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले और नौकरी पेशा वाले लोग इस मतदार संघ में बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। और ये 90% ये मराठी मतदाताओं का मतदार संघ है। अच्छा। तो उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जिस प्रकार से आज बेरोजगारी की समस्या हम देख रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो एक आदमी के भरोसे पर अपना घर नहीं बराबर चला सकता। अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन आज बच्चे खाली है। आज बहुत सारे बच्चे बी करे हुए हैं। बी तो कॉमन हो गया, जैसा हमारे समय बीकॉम कॉमन विद्यार्थी बीकॉम में पढ़ते थे, उस समय अभी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे जिन्होंने डिग्री की हुई है। ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट BSc किसने किया, MSc किया, BCom किया, BA किया, अलग अलग फैकल्टी में आज मैक्सिमम ग्रेजुएट बच्चे मेरे मतदार संघ में मिलेंगे जी। लेकिन आज बेरोजगारी के दृष्टि से, रोजगार के दृष्टि से हम जब देखते हैं तो बच्चे बहुत सारे खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही। और हमारी अपेक्षा है तो हमको सबको नौकरी चाहिए। तो इसका कारण हमने डिसाइड कर लिया कि आने वाले 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो बिजनेस धंधे के माध्यम से, छोटा मोटा उद्योगों के माध्यम से हो या नौकरी के माध्यम से ज़्यादा बच्चों को किस प्रकार से हम रोजगार दे पाएंगे, ये हमारी सर्वप्रथम भावना भी है और हम करने भी वाले हैं। सही मायने में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने भी काम करते समय अपना एक ध्येय, अपना एक उद्देश्य रख के काम करना चाहिए। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे का क्या, आगे का अपने को खुद सोचना चाहिए। आज यहाँ पर भारी बच्चे आ रहे हैं, भारी लोग आ रहे हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, अपना उद्योग कर रहे, बढ़ रहे आगे। हमारे बच्चे इस प्रकार से हिम्मत करना नहीं चाहते या करते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी बच्चों ने, मराठी बच्चों ने अभी तो ये करना ही चाहिए क्या, जब पर प्रांतीय आके बड़े हो सकते तो हमने क्यों सपने नहीं देखना चाहिए। तो छोटे मोटे उद्योगों के माध्यम से आदमी बड़ा होता है। अगर हम इतिहास जब देखते हैं तो छोटे से आदमी बड़ा होते, बड़े से छोटा तो बहुत लोग कम लोग होते हैं, लेकिन छोटे से बड़े बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो छोटे छोटे अपने हिम्मत से, अपने मेहनत से, अपने लगन से जो भी बच्चा अच्छा काम करेगा वो निश्चित ही फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगा। उनके लिए पैसे का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, अगर अनेक माँ बाप ऐसे है कि जो बच्चों को बिजनेस के लिए, छोटा मोटा धंधा करने के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चों को भी शासन या बैंक उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे बच्चों के लिए करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी हमारे जो माननीय नितिन जी है, उनको जो डिपार्टमेंट मिले हैं तो उसमें अभी बच्चों के लिए एक अच्छी योजना हम लाने का प्रयास करेंगे। छोटे मोटे उद्योगों के माध्यम से बच्चे कैसे डेवलप होंगे, महिलाएँ कैसे डेवलप होंगी। आज मैं अभी 8 दिन पहले माननीय नितिन जी के जो स्वयं सहायक है चारू दत्त बोकारे, उनके साथ मिलकर हमने आदिवासी कॉलोनी में 7 चरखे अच्छा सूत काटने के तो हमने मुहैया करे। उसके कारण 50 महिलाओं को रोजगार मिलने वाले, हर महिला 200-300 रुपये कमाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे मोटे धंधे का इसके माध्यम से
जो उद्योग है उनके माध्यम से अगर घर की महिलाएं भी सक्षम होती है, अगर 200-300 रुपये रोज करती कमाती थे 5-6 हज़ार, उसमें उनका घर भी चल जाता है, बच्चे को पढ़ाई हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे इस माध्यम से ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवक उनमें कैसा डेवलप उनको रोज़गार उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्ग भी लेने वाले हैं, बड़े बड़े इवेंट्स उसमें लेंगे जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे, ग्रेजुएट हुए बच्चे या जो 12वीं पास है ऐसे बच्चे, 12वीं पास नहीं 8वीं पास भी बच्चे जो जिनमें करने के कुछ यह है जी, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए हम करने का आगे फ्यूचर में प्रयास करने वाले हैं। कल सर आपका बर्थडे भी हुआ, इतने आपसे लोग, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आए, बड़े वो लोगों के साथ में कई छोटे कार्यकर्ता, इवन बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग भी आपसे मिलने के लिए आए, इतने दूर दूर से, पूरा फूलों से घर सजा दिया था आपका। तो सर ये जो अचीवमेंट है, ये जो आपकी कामयाबी है, तो क्या सर आप जब कॉलेज लाइफ में थे, आप भी एक स्टूडेंट दौर आपका भी गुजरा होगा, तो आपने सोचा था कि आप पॉलिटिशियन ही बनेंगे या आप और कुछ बनना चाहते थे सर? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पॉलिटिशियन बनूंगा ऐसा सोचा ही नहीं था जी। वो तो ऊपर वाला तय करता है किसको क्या क्या करना उसने। अच्छा। मैं जब 10th पास किया जी सर, उसके मेरे पिताजी एक सर्विसमैन थे। अच्छा। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में जाऊँ, नेवी में जाऊँ, एयरफोर्स में जाऊँ, तो मैं उस हिसाब से प्रयास भी किया। मैं 2 बार नेवी के एग्ज़ाम दिया, 1 बार आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को दिया, 1 बार डॉक्टर अप्रेंटिस को दिया, लेकिन दोनों समय वो 10th के बाद में गया था, लेकिन वो BSc के लेवल का वो था, तो रिटर्न टेस्ट में फेल हो गया। अच्छा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी चलो मेरा मारल गया कि चलो अब फेल हो गए तब हम मिलिट्री में जाएंगे, तो ये मिलिट्री में अपना सीताबर्डी में। अच्छा। उस समय कैंप लगते थे मंगलवार और शुक्रवार को, तो वहाँ भर्ती होती थी, तो मैं वहाँ गया, मैं फिजिकल पास हो गया, रिटर्न पास हो गया, सब बातें पास हो गया, लेकिन मेडिकल का समय आया तो मेरे को तो जाने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इस चक्कर में हार्ट बीट बढ़ गया। अच्छा। और मैं मेडिकल में फेल हो गया। और परवाह नहीं चाहता होगा कि मैं इधर एक क्षेत्र में आऊँ, तो फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, विद्यार्थियों के प्रश्न सॉल्व करने का काम किया, और जब मैं काम करता रहा तो मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम किया, मैंने विश्व हिंदू परिषद का काम किया, विद्यार्थी परिषद का काम किया, तो कई नेताओं को भी और परिवार को भी ऐसा लगा कि मेरे को कुछ देना चाहिए, तो मुझे पार्षद बनाया पहले। मैं इसी वार्ड में पार्षद था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, फिर हमारे अशोक वाडेवस्मकर के MLA थे दक्षिण नागपुर से, उनकी तबीयत एकदम ख़राब थी, तो मुझे वहाँ से लड़ाया गया, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी जीती, जीतने के बाद फिर 5 साल काम किया, वो मतदार संघ थोड़ा कठिन था उस समय, तो मैं 2nd चुनाव में हारा 5-6 हज़ार वोट से, मैं 77 से फिर काम करते रहा, और काम करते करते मेरा एक स्वभाव रहा कि मैंने खुद को कभी जीवन में MLA समझा नहीं, इसलिए आज जो लोग देखते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े जो देखते हैं, तो मेरे को कभी मैं कभी हम अहंकार के मैं MLA हूँ मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, महसूस ही नहीं हुआ, मेरे को आज भी महसूस नहीं होता कि मैं MLA हूँ, इसलिए मैं कॉमन जो मिला उससे जैसा रहा वैसा बात करते रहता। इससे सर आपका जो आज जिस मुकाम पर आप हो यहाँ पर, आपको जैसे हमने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जैसे कॉमन पीपल भी आपको मिलने के लिए, और आप इतने अच्छे से उनको मिलते हो और बिल्कुल एक फैमिली जैसे सबके साथ में मिलते हो आप, तो सर क्या आप दूसरे जो और भी है, जैसे एक इस आप जिस मुकाम पे, उस मुकाम पे जब लोग पहुंच जाते हैं तो लोगों का एक नज़रिया, रहने का एक तरीका बदल जाता है, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे सर? मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने अपने को धरती पर भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है जी सर। और हमने बोल के किसी को दुखाना उचित नहीं, या हमारे में अहंकार आना ये भी उचित नहीं, ईगो जिसको, मुझे ऐसा लगता है पर ऊपर वाले ने उसको भी जन्म दिया, मेरे को भी जन्म दिया, वो मेरे पास कभी आता है कोई उसका प्रॉब्लम रहता है तो उसने मैं बड़ा दिल करके मैंने भी उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे इस हिसाब से मैंने करना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हो गए भी तो उनको मेरा ये कहना है, बड़ा होने से कोई बड़ा बनता नहीं, बराबर ना, ये ऊपर वाले तय करता किसने क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाले ने अपने को जन्म दिया
उसमें अपन अच्छा क्या कर सकते, किसके मैंने किसी का बुरा नहीं अच्छा नहीं कर सकते, हमने बुरा भी नहीं करना चाहिए और जिसको जितनी मदद होती उतने करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर इतने अच्छे आपने हमारे साथ बातचीत की। एक आखिरी सवाल, हमारा देश जो है सर अब 2020 की तरफ जा रहा है और एक न्यू इंडिया की तरफ जा रहा है जिसमें युवाओं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की होंगी, तो सर यंग जनरेशन के लिए और अब नागपुर और हमारे इंडिया के लिए आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं तो वो सर उनके लिए नए साल के लिए आप क्या मुबारकबाद दोगे? मैं नए साल में एक ही बात दूंगा, अभी हमारा देश आने वाले दिनों में सुजलाम सुफलाम, हम बोलते ना एक देश से सोने का धुर निकलता था, कोई बोलता था सोने के चिड़िया होती, उसी मार्ग पे मार्ग क्रमण हमारा देश कर रहा है। मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि हम देश के साथ जुड़े रहे, देश के निर्णय में हम शामिल रहे, अरे देश का कल्याण कैसा हो इसकी चिंता अपने घर के पहले चिंता देश के करे, ये मेरी युवाओं से मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम नागपुर के लिए आपकी क्या दुआएं हैं सर? बस आपका चैनल दिनों दिन बढ़ता तरक्की करता रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आई एम नागपुर। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। नए साल की आप सबको बहुत मुबारकबाद और आप बहुत खुश रहो, तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ है। आई लव आई एम नागपुर। जय हिंद।